परेशान इन्हां दे घर दे एक किसे तो भी नहीं डरदे, जोकां बन के लोकां दा खून रहे ने। चूस साथियो नवांशहर थाने आसिटी थाने दे बिल्कुल नज़दीक एक जूस की दुकान ते चोरां ने चोरी करन तो पहला रज के पीता जूस साथियो, रज के पीता जूस साथियो। खैर असी तुसी तां कह दांगे बहुत माड़ा होया, बहुत अफसोस है, पर जिहदे नाल भाणा वापरिया वो कहिंदा कैसा दिन चढ़िया मनूस साथियो, कैसा दिन चढ़िया मनूस साथियो। सत श्री अकाल पीबी बत्ती नवांशहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तों दस ला लैंदे वीडियो किस बाबत आउंदे। दोस्तों चोरों नूं कोई पै नहीं, चोर किसी की परवाह नहीं करते। जेकर मैं ये गल कहां तां ये गल बहुत पुरानी पुरानी सुनी सुनी लगेगी, पर तुसी अज दी घटना दीआं तस्वीरां देखोगे जिथे चोरों ने चोरी नूं अंजाम दिता तो हैरान हो जाओगे कि किवें चोर पहला मंकी मैन की तरह, इन्होंने कित्थों ट्रेनिंग ली है। पहला कोठे ते चढ़दे आ दुकान की, उस तो बाद जिहड़ी ग्रिल आ जिहदे नाल जिहदे अंदर फाइबर फिट की हुंदी आ, वह ग्रिल नूं जड़ तो पट्टदे आ। फिर किहड़ी कित्थों रोप ट्रेनिंग इन्होंने यूट्यूब तो ली आ, कित्थों रोप की ट्रेनिंग ली है रस्सी लटका के, जो उत्थे लोग गल कर रहे थे हेठां उतरदे आ, अंदाजे लगा रहे थे कि हेठां उतरदे आ। पर मैं तो उत्थे यह सोच रहा कि पहला कोठे ते चढ़ना फिर हेठां रस्सी पा के उतरना, जे इन्नी मेहनत इन्ने एफर्ट ये नेक काम लई करन तां रब भी इन्हां दीआं सिद्धियां पावे। पर अफसोस जिहड़ी माड़ी सोच चोरी करन दी डिवेलप हो गई है उन्हूं तां कोई साइकैट्रिस्ट ही दूर कर सकदा, तो वह कौन दूर करेगा ये आने वाला समा दसेगा। पर लोग उत्थे ये भी चर्चावां कर रहे सन कि जे थाने दे बिल्कुल नज़दीक थाने की बैकसाइड तो 10 मीटर की दूरी पर दुकाना ने जिथे चोरी हुई है, और के मैडिकल हॉल के बिल्कुल नाल है जिथे ये चोरी हुई है, दो दुकाना के अंदर लोग ये चर्चा कर रहे सन कि जे चोर इत्थे आके पहला कोठे ते चढ़ते फिर ग्रिल पट्टदे आ, लॉक पट्टदे आ, लॉकर पट्टदे आ, जे कन्नो कन्न किसी नूं सुनाई नहीं दिता तां सुनसान थावां ते किते अणजाण थावां ते चोरां नूं किसे दा कोई भय हो ही नहीं सकता। फिर इन्हां लई चोरी करना तां इक खेल खेडण दे बराबर है। जूस की दुकान के अंदर वड़दे आ तां इउं प्रतीत हो रहा है कि चोर जदों दुकान के अंदर दाखल हो गए उस तो बाद आराम नाल नफलक हो के बैठे होने आ, जूस पीता बोतलां उत्थे पईआं सन, जूस पीता फ्रूट खाधा, फिर तसली नाल जदों फ्रूट खा लिया उस तो बाद लॉकर भन्ने गए आ, खोले नहीं गए, लॉकर तोड़े गए आ, कागज़ बिखरे हुए सीगे, और चोरों ने फ्रूट भी पहले रज के खाधा, जूस भी पीता, माजा भी पीती, होर भी उत्थे जिहड़ा खाण पीण दा समान सी रज के खाधा, तो उस तो बाद फिर चोरी नूं अंजाम दिता। जिवें कहिंदे हुण सज्जणा अज तेरे घर आए, अज रज रज के जूस भी पीवांगे, तो जाते जाते जो गले विच आ वो सब कुछ भी लै जावांगे। पर जब दुकानदार नाल गलबात करदे आ उहदे लई स्थिति बड़ी मुश्किल सी। वह कहिंदा कि उसका बेटा सवेरे 7:30 बजे के करीब दुकान ते आउंदा और दुकान खोल के देखदा तां पता चलदा कि समान बिखरिया होया, समान इधर उधर डिगया होया, तां वह घबरा जांदा, उहदे मन च एक डर पै जांदा कि किते चोर जिहड़े आ जिन्हां ने चोरी की घटना नूं अंजाम दित्ता, क्योंकि बच्चे दे दिमाग च पहली गल आउंदी है कि घटना हो गई है चोरी कर दित्ती है, वह डर जांदा किते चोर अंदर लुके हुए तां नहीं, किते मेरी जान नूं कोई खतरा तां नहीं, तां बच्चा उन्हीं पैरीं वापस घर वल नूं दौड़दा। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਗੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਰਾਤੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਏ, ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਹੈਂਡਲ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਹੈਂਡਲ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਪਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? 10,000 ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਗੱਲੇ ਤੋੜੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 4 ਨੋਟ ਪੰਪ ਦੇ ਸੀ, 5 ਨੋਟ 100-100 ਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਗੱਲੇ 'ਚ, ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਜੀ 4-5 ਸੌ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10-20 ਦੇ 50 ਦੇ ਨੋਟ ਸੀਗੇ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਚੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 10,000 ਦੇ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ,
उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वाले भेजे आ, वो चेक कर रहे हैं। बच्चे दे मन विच ए डर बह जांदा है कि किते कोई चोर अंदर लुकिया ना होवे जिहड़ा मेरे ते किते कोई हमला ना कर दे, पर इत्थे ही बस नहीं, ये चोर जूस की दुकान तो पहला जूस पीते आ, माजा पीते आ, फ्रूट खाते आ, गले तोड़ के जिन्हें पैसे मिलते, एक गला नहीं दो तीन लॉकर जड़े सारे तोड़ के जिन्हें पैसे मिलते बोझे च पाते, तो उस तो बाद फिर नाल की दुकान पर चले जाते, जिहड़ी तेल स्टूडियो की दुकान सी उहदे अंदर भी जाके एक नहीं दो नहीं तीन नहीं जिन्हें लॉकर सारे तोड़ते, ईवन मंदरां तक नू छाण जाते, मंदरां चों भी पैसे चक के रफू चक्कर हो जाते। जूस जूस वाले दे भी हुई चोरी? हाँ जी उन्होंने भी हुई, उन्होंने भी कैश रखा हुआ सी, उन्होंने लॉकर तोड़ के उन्होंने भी कैश लेके काटा। खैर मौके दे तुसी तस्वीर देखोगे तो नज़र आएगा कि फोरेंसिक टीम मौके पर पहुँच जाती है, और उत्थे कुछ लोग मेरे वर्गे जिहड़े बिना सोचे समझे टिप्पणियां देंदे आ, वो सुझाव देंदे आ कि यार चोर फड़े जा सकते आ जे डूंघाई ना तफ्तीश होवे, जिहड़े रैक्स तो चोरां ने फ्रूट चक के खाधा है उत्थों जिहड़े निशान ले जाण, ते हाँ जिहड़े जूस दे गलासां विच चोर जूस पी के गए आ, माजा दी बोतल खोली आ जिहड़े हत्थां नाल, जे माजा दी बोतल तो निशान चक्के जाण तां चोर फड़े जा सकदे आ। पर मैं उन्हां नूं कहना चाहुंदा कि इन्ना सखाला नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, जे जूस दी बोतलां चों बोतलां नूं चक के जां जूस दे गलास नूं चक के पता लग जांदा वी इहनूं किहने बुल लाए आ, ते उत्थे फटाफट रिपोर्ट आ जांदी तो चोर शायद हुण तक फड़े जाते। खैर सानू उम्मीद है कि चोर जल्दी फड़े जाण, क्योंकि जो थाने के बिल्कुल नाल इहो जी वारदात हुंदी है, घटना हुंदी है, तो लोगों के मन अंदर एक डर तो बनता कि यार इन्हां नू थाने के नेड़े भी नहीं डर लगता चोरी करन नू। पर हैरानी वाली गल है पट्रोलिंग लई पार्टीज़ पुलिस पार्टीज़ थां थां ते जांदियां आ, पर थाने के बिल्कुल नेड़े कोई नहीं सीगा, जां थाने के बिल्कुल नेड़े अगर चोरां नू डर नहीं लगता तां चोरां नू डर कित्थे लगेगा, सवाल यही है। पर सानू आखिर विच जरूर कहना बनता है कि जूस वाले दुकानदार ने भी सानू हमदर्दी आ, ते नेल स्टूडियो वाली भैन जी नाल भी हमदर्दी आ, ये चोर जल्दी फड़े जाने चाहिए ता जो किसी होर नू अपना निशाना ना बना। बने रहना विपत्ति नवां शहर नाल अपनी छोटी दिनेश सूरी कैमरा परसन विच, कौन जस तो बहुत जल्दी फिर तो आ जावांगे। सत श्री अकाल, रब रखा।